मैं आज भी दो स्टॉक्स लूंगा जब कल ट्रेड करें, आई मीन 14 नवंबर को ट्रेड करेंगे चिल्ड्रंस डे के दिन। मैंने आज भी दो स्टॉक्स दिया था, एक थी एच डी एफ सी और दूसरी थी भारतीय एयरटेल। तो आप देख सकते हैं एच डी एफ सी में मैंने बताया था कि जो मार्केट खुलते ही आपको बाई करना। आप देख सकते हो ओवरऑल जो है 147 रुपीज़ अप थे आज। तो मैंने आपको टारगेट 100 रुपीज़ का दिया था, अप्रॉक्सिमेट 60 से 70 रुपीज़ का मैंने बताया था टारगेट, बट इसने जो है 180 रुपीज़ इसने हाई लगाया आज आज का। और भारतीय एयरटेल में मैंने बताया था कि जो आपको 2 to 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देना है और मार्केट खुलते ही आपको बाई करना है। आप देख सकते हो मैंने आपको टारगेट दिया था 836 का। मैंने बताया भी था कि जो स्टॉक्स जो है वो इस फॉर्मेट में चलती है तो अच्छा खासा आपका पैसे बने होंगे। एच डी एफ सी में तो बहुत ज़्यादा ही बने होंगे क्योंकि मैंने दोनों स्टॉक्स को मार्केट ओपन होते हुए मैंने बताया था कि सबको दोनों को बाई करना है। एच डी एफ सी तो बहुत बहुत शानदार प्रॉफिट दी होगी। और एयरटेल में मैंने बताया था कि सबको 10 to 12 रुपीज़ मिलेंगे और आपको 3 to 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देना है और स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं हुआ होगा। इसमें आपने मैंने बताया था कि जो आप इस पोजीशन पे आप अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे 836 पे। और मैं आज भी दो स्टॉक्स दूंगा जो है, एक है माइंड ट्री और दूसरा है इंजरॉल्स इंजरॉल्स। तो ये आप इंजरॉल्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे हैं तो आप इसे बाई करेंगे। सबसे पहले मैं एच डी एफ सी और भारतीय एयरटेल को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा आपको, तो मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। फिर मैं दोनों स्टॉक्स पे आऊँगा, ठीक है। माइंड ट्री को आपको बाई करना है और इंजरॉल्स को आपको बाई करना है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे हैं। जब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे रहता है तो ये इसमें बहुत बहुत मोमेंटम रहती है, आपको सिर्फ बाइंग में ही रहती है। तो आप इन जिरल्स को आपको बाई करना है कल मार्केट, आई मीन 14 को जो मंडे को मार्केट खुलेगी तो आपको इसे बाई करना है। और माइंड ट्री जो आईटी सेक्टर है इसे आपको बाई करना है। ये आप देख सकते हैं ये इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है तो आप 10 to 15 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस देंगे और आप अप्रॉक्स में 3700 40 to 45 रुपीज़ का आप इसमें टारगेट रखेंगे। तो आप माइंड ट्री को बाई करना है और ये जो इंजरॉल्स है इसे भी बाई करना है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दे रहा हूँ, ये स्टॉक्स जो है ये ऑल टाइम हाई पे है। आप देख सकते हैं 2292 ये जो है ऑल टाइम हाई पे है, तो आप इसे बाई करेंगे मंडे को 14 नवंबर। माइंड ट्री को भी आपको बाई करना है तो मार्केट खुलते हैं साथ ही आपको बाई करना है दोनों को। और एच डी एफ सी और एयरटेल में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, बहुत अच्छा खासा। थैंक यू।